और उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टियां लगी हुई हैं और इसी जद्दोजहद में इसी में असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष भी भड़काऊ भाईजान भी लगे हुए जोर शोर से चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं। मेरठ में जनसभा करनी थी लेकिन ठीक एक दिन पहले अनुमति नहीं दी गई प्रशासन की तरफ से उनकी रैली को, उनकी जनसभा को, जिसके बाद AIMIM के कार्यकर्ता थाने का घेराव करने पहुंचे, प्रदर्शन करने पहुंचे, धरने पर बैठ गए। देखिए प्रशासन की तरफ से आखिरकार इस जनसभा को अनुमति मेरठ में क्यों नहीं मिली, इस रिपोर्ट में देखिए आप। यूपी में सर्दियों ने दस्तक दे दी है लेकिन सियासी माहौल रोज रोज गर्म होता जा रहा है। यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, नेताओं के यूपी फेरे बढ़ गए हैं ताकि जनता को अपने पाले में खींचा जा सके। इसी कड़ी में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आज मेरठ दौरा था जिसे रद्द कर दिया गया है। मेरठ के जिला प्रशासन ने जनसभा की अनुमति नहीं दी जिसके बाद AIMIM के कार्यकर्ता थाने में धरने पर बैठ गए। असदुद्दीन ओवैसी की चुनावी सभा को प्रशासन की अनुमति नहीं मिली है। देर रात तक पार्टी के नेता ओवैसी की सभा के लिए नौचंदी थाने में चक्कर काटते रहे लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। आवेदन के बाद भी सभा की अनुमति न मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने इसे प्रशासन की साजिश बताया। पुलिस का कहना है कि ओवैसी की जनसभा के लिए AIMIM के नेताओं ने नियमों का पालन नहीं किया जिससे जिला प्रशासन ने रैली की अनुमति नहीं दी। परमिशन डिनाई नहीं करी गई है, जो उसका रूटीन में जो कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए था पार्टी की तरफ से, पार्टी के जिलाध्यक्ष ने बैठाल के समझाया भी था कल उनको, जिस पर्सन की लैंड होती है उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पहले इनको लेना चाहिए। इन्होंने सीधे ही ACM साहब के अप्लाई कर दिया लेकिन जो लैंड का ओनर है उनसे जो है इन्होंने कोई अनुमति नहीं ली और रात के समय काफी देर से ये चीज प्रकाश में आ पाई और इन्होंने तैयारियां उसकी जो है बिना परमिशन के ही कर ली थी। यूपी में वैसे पिछले दिनों कई रैलियां कर रहे हैं और इसे राज्य की समाजवादी पार्टी के लिए खतरा माना जा रहा है क्योंकि ओवैसी की रैलियों में काफी भीड़ एकत्रित हो रही है आ रही है। वहीं मेरठ में भी ओवैसी की रैली थी जिसको लेकर जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, लिहाजा अनुमति न होने के बाद टेंट हटाने पड़े। यहां पर पुलिस ने उसकी अनुमति नहीं दी जिसके बाद जमकर बीती रात हंगामा हुआ और अब ये जो स्टेज जहां ओवैसी जनसभा को संबोधित करने वाले थे उसको उखाड़ दिया गया है और जो तैयारियां की गई थी उनको पूरी तरीके से हटाया जा रहा है। जो पोस्टर्स, होर्डिंग, बैनर्स लगाए गए थे वो सब हटाए जा रहे हैं। हालांकि AIMIM कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूरी तरीके से पुलिस राजनीतिक पार्टियों के दबाव में काम कर रही है। ओवैसी के आने से कहीं ना कहीं सभी दलों में यहाँ खलबली मची हुई है जिसकी वजह से लगातार दबाव डाला गया और ये जनसभा कैंसिल की गई। असदुद्दीन ओवैसी बिहार में मिली सफलता से उत्साहित हैं और वो बिहार जैसी परिणाम की उम्मीद यूपी में भी कर रहे हैं। ओवैसी यूपी में पूरे जोर के साथ मेहनत कर रहे हैं। ओवैसी यूपी में अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए हर वो दांव चल रहे हैं जिससे वो 2022 के चुनाव में एक मजबूत बुनियाद बना सके। इसके लिए वो मुस्लिम कार्ड खेलने से भी गुरेज नहीं कर रहे। ओवैसी यूपी में मुसलमानों को भड़काने के लिए कोशिश करते हैं कि वो ही उनके हितैषी हैं और सारी पार्टियां मुसलमानों की दुश्मन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस